गुना जिले के झमझरा गांव के रहने वाले एक किसान परिवार ने मंगलवार को शहर के हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। किसान परिवार का आरोप है कि पड़ोसी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बताने की झमझरा गांव के रहने वाले घुमन सिंह खंगार राम सिंह की गांव में ही जमीन है। उनके खेत के पास ही 20 बीघा जमीन पर वह वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी उस जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति छोटैया ने बिना जानकारी के अपनी पक्की मेड़ बनवा ली और अब वह उन्हें जमीन नहीं जोतने दे रहा है, जिसके चलते किसान परिवार बहुत परेशान है। वहीं समस्या का समाधान न होने पर आज किसान परिवार ने हनुमान चौराहे पर चक्का जाम किया। जाम को लगता देख प्रशासन और पुलिस के नुमाइंदे मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद सभी पीड़ित परिवार ने कहा कि इसकी उचित जांच करवाकर घुमन राम सिंह जिस जगह पर 40 वर्ष से काबिज थे उस जमीन की नक्शा दुरुस्ती कराकर घुमन राम सिंह की पक्की मेड़ बनवाए जाएंगे। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। आप सर कौन साल का है आपका? इमजरा। अच्छा, ये लोग आए हुए इमजरा के, इनके जमीन का क्या मामला है? इनका, इनकी विरोधी पार्टी और इनका कोर्ट में मैटर चल रहा था, वहाँ से सीमांकन का ऑर्डर हुआ तो ये इनकी विरोधी पार्टी है, उनका सीमांकन करके हम आए, जिसमें कोर्ट के नाजिर भी गए थे साथ में, इनके में कुछ उनका रकबा निकला। अब इन लोगों का कहना है कि हमारा भी सीमांकन करो। इनका सीमांकन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रकबा नक्शे में कम बना हुआ, इसलिए इन्हें समझाया हम लोगों ने कि भाई इसकी अपील होती है सक्षम अधिकारी की, ये अपील करेंगे, सक्षम अधिकारी जब इनका आदेश कर देंगे नक्शा दुरुस्ती का तो पूरा रकबा आपको दे देंगे। क्या नाम है? सुभान भाई खंगार। कहाँ रहते हैं आप? इमजरा जी। बताएं, आज आपने चक्का जाम किया था, क्यों किया था? साहब हमारी 20 बीघा जमीन है और 19/5 नंबर पे, तो हम 80 साल के जोत रहे थे हमारे ससुर के जमाने के, और जिनने 2 नंबर में वह जमीन छोटैया हरिजन के बना रहे हैं मेड़ हमारी जमीन के, और हमारी वह फसल बीमारी चली गई, हमें नहीं बोन दई, और अब जब फसल बीमारी जा रही, जब फसल भी नहीं बोन दे, हम आँख में जोत में जाते हैं, सो हमारी ट्रैक्टर के आगे आड़ गिर जाते, बाकी भाई गिर बाकी भाऊ। आपका नाम? मेरा नाम मुन्नी भाई। बताएं आपका क्या मामला है ये जमीन को लेकर? जो जमीन का जो घुमन जो बच्चे बैठे हैं, जो घुमन के बच्चे हैं, इनकी इन घुमन का और मुन्नी भाई का और उसका क्या नाम जयराम का, जो मुन्नी भाई का बीच में मेरी जमीन का कब्जा नहीं छोड़ रहा हूँ। इनकी जमीन 20 बीघा नप वाला ही, इस पर देखा 1-2 लाख रुपए देखा नहीं, 20 बीघा गई इनकी, अभी रोते फिर रहा है, रोड पर डले थे जिस अवरे। किसने लिया है कब्जा? वो हैगा सुकुआ, सुकुआ के बच्चे सब लेकर रहा जा जो तहसील में। वो जमीन पे विवाद चल रहा था, किस किस के नाम पे? वो जमीन मेरे नाम और जोतरे हरिजन। पूरा मामला गुना जिले के बताया जा रहा है, जहां झमझरा गांव के रहने वाले एक किसान परिवार ने मंगलवार को शहर के हनुमान चौराहे पे चक्का जाम कर दिया। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर दें कि झमझरा गांव के रहने वाले घुमन सिंह खंगार राम सिंह की गांव में ही एक जमीन है। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गुना से हमारे संवाददाता कादिर खान जुड़ चुके हैं। कादिर, ये झमझरा गांव से एक किसान परिवार ने अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर हनुमान चौराहे पर जो चक्का जाम किया है और उनका आरोप है कि पड़ोसी उनके जमीन पर बिना अनुमति के पक्की मेड़ बना ली है और उन्हें खेती से रोक रहा है, पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से इस पे कादिर? हेलो नितेश जी, ये मामला कल का है, कल हनुमान चौराहे पर एक फरियादी झमझरा ग्राम के अपनी परिवार समेत सड़कों पर लेकर उनको अपनी जमीन का जाने का इतना दुख था कि वो लोग साथ में सेल्फी भी लेकर आए थे। जी जी, ये पक्की मेड़ मतलब कब बनवाई गई थी जो पड़ोसी है उसके द्वारा, और अगर जो पक्की मेड़ बनवाई गई है उसके लिए कोई अनुमति ली गई है? पटवारी और तहसीलदार के द्वारा मिलकर के हमारी 20 बीघा जमीन जो वर्षों से 80 सालों से हम जोतते आ रहे हैं उसको अन्य किसी छोटे नाम के पड़ोसी को दे दी गई है। पड़ोसी का इस मामले में क्या करना है, कहना है? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी, पड़ोसी का इस मामले पे क्या कहना है कादिर? पड़ोसी जिसने जिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि उसने खेत पे कब्जा कर लिया है, उसका इस मामले में क्या कहना है? जो इन लोगों का दोनों का विवाद चला हुआ था, कोर्ट केस में चल रहा था, उसके आदेश के अनुसार मैंने बंटवारा करवाया, इसमें क्या इस पड़ोसी का रकबा कम आ रहा है, इन दोनों का विवाद उस रकबे के ऊपर ज्यादा बन रहा है।
जी कादिर, क्या कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे इस बात की पुष्टि होगी ये जमीन किसके नाम की है? हाँ, पटवारी ने कहा है कि जमीन निकली हुई है वहाँ पर, लेकिन ये जो आदेश आने के बाद में जो इनका फरियादी सुगन भाई का जो कहना है वो ये बता रही थी कि हमारे लिए पटवारी सुनवाई नहीं करते। हम लोगों ने इतने आवेदन दिए, जन सुनवाई में भी लगाए, एसडीएम को भी लगाए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने ये कदम उठाया आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कादिर।